गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बेनकाब हो रहे गरीबों की लाश पर राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांगरमऊ विधानसभा उपचुनाव की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कहा, कानून ऐसे लोगों के साथ बेहद सख्ती से पेश आएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कहा, हमारी विचारधारा और नेतृत्व से विपक्ष की कोई तुलना नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया यूपी के पहले जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का शिलान्यास। कहा, हर जीव को संरक्षण देकर प्रकृति को होगा बचाना। गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित बंधे पर मिले अज्ञात शव का एसएसपी ने किया खुलासा। चार अभियुक्त हुए गिरफ्तार। कहा, लूट के रुपए के बंटवारे को लेकर हुई थी राहुल की हत्या, मृतक भी था शातिर अपराधी। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम सदन की हंगामेदार 15वीं बैठक हुई संपन्न। 7 एजेंडे के साथ हुआ शुभारंभ, विभिन्न प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए मंजलायुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई बैठक। कहा, बढ़ाया जाए कॉन्टैक्ट टेस्टिंग, होम आइसोलेट मरीजों पर रखा जाए विशेष ध्यान। चोरी की 7 बाइक के साथ 2 शातिर चोरों को रामगढ़ताल थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी ने कहा, अपनी शौक को पूरा करने के लिए करते थे बाइक की चोरी, भेजे गए जेल। अपराध शाखा गोरखपुर पुलिस टीम ने शाहपुर थाने में पंजीकृत आईटी एक्ट मुकदमा में वांछित फरार चल रहे शातिर मुन्ना भाई को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार के सचिव ने बुधवार को सेंट्रल स्किल के नोडल अधिकारियों के साथ की वार्ता। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष ने किसान बिल के संबंध में दी विस्तृत जानकारी। कहा, किसानों को बिल के बारे में भ्रमित कर रहा है विपक्ष। गोरखपुर में बुधवार को मिले 147 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 16,679। अब तक 270 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 1,923। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। अवैध कच्ची शराब के कारोबारियों पर आबकारी विभाग ने मारा छापा। 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 5 कुंतल लहन को किया नष्ट, तोड़ी 6 भट्टियां। आबकारी निरीक्षक ने कहा, 2 महिला कारोबारियों पर की गई कार्रवाई। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को जल्द पूरा करने की मांग। 3 सूत्री मांगों को लेकर NSUI ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव को सौंपा ज्ञापन, मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। और गोरखपुर जिला अस्पताल में समाप्त हुआ एंटी रेबीज वैक्सीन ARV, वापस लौटे मरीज, अस्पताल प्रशासन ने सूचना चस्पा कर झाड़ा पल्ला।